आज मेरी बहन पहली बार आई है मेरे साथ नेल सलॉन और ये करवाने वाली है एक्सटेंशन वैसे मैं भी पहले एक्सटेंशन करवाने वाली थी बट मेरी नेल्स की जो लेंथ है वो ठीक ठाक थी तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सटेंशन की जगह आप नेल्स पे जेल लगवा सकते हो सो so बेसिकली उससे आपके जो नेल्स आपने बड़ी मुश्किल से बढ़ाए जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से बढ़ाए हैं वो कटेंगे भी नहीं एंड आपके नेल्स पे जो है एक्सटेंशन वाली फीलिंग भी आएगी मेरी बहन तो आज फुल ऑन मतलब लंबे लंबे एक्सटेंशन कराने वाली है और ये शायद ऐसे एक्सटेंशन पहली बार कराएगी तो देखते हैं इसके नेल्स कैसे लगेंगे फिलहाल मेरे हाथों में तो उन्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी उन्होंने थोड़ी सी शेप दी एंड उसके बाद आप देख सकते हो शेप देने की जजबाती काफ़ी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड मेरी बहन की जो इंस्पिरेशन है वो कुछ ऐसी है ये कुछ ओमरे में जाने वाली है और भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ऑफकोर्स आप भी होंगे तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और मेरे जो नील्स आज आप देखोगे ना ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं कराया मेरे लिए भी बड़ा नया एक्सपीरियंस है आप देख सकते हो मेरी बहन अपने नील्स की फाइलिंग करा रही है और मैं सोच रही हूँ कि क्या करवाऊँ उसकी फाइलिंग हो होकर सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ तब तक वो मेरी नील्स की जो एक्स्ट्रा मतलब स्किन वगैरह थी वो सब निकाल रही हैं इसकी पूरी मतलब देखो शेप वगैरह सब रेडी हो गई है यहां पर मेरे नेल पर पहला कोट लगाया जा रहा है जिससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आए क्योंकि नेचुरल नेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं देखो यहां पर मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो थोड़ा ना इस बार इलेक्ट्रिक एंड ऐसा कुछ मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ बिल्कुल अलग करवाऊं एंड लिटरली ऐसे नेल्स जो मैं आज करवाने वाली हूँ मैंने बहुत ही टाइम से मैं देख रही थी इनको बट मैंने कभी करवाया नहीं क्योंकि थोड़े से चैलेंजिंग थे मेरे लिए देख सकते हो आप मतलब गोल्ड में मैं आज जाने वाली हूँ एंड डोंट वरी अगर आप सोचो कि दुल्हन वाले गोल्ड तो नहीं मैं बहुत बहुत ही यंग एंड बहुत ही जेनजी वाइब में जाने वाली हूँ यहाँ पर आप देखो दीदी ढूंढ रही हैं चीज़ें क्योंकि इस बार जो मैंने नेल्स के लिए उनको बोला है ना वो थोड़ा उनके लिए भी डिफिकल्ट है कुछ नया है मैं चाहती हूँ जो मेरे नेल्स का बेस है वो बिल्कुल स्किन से मैच होता हुआ हो एंड उस एक शेड को मिलने में काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर मेरी बहन की जो नेल्स की शेप है इसे कहते हैं कॉफिन वो रेडी हो चुकी है मैंने तो मेरी नॉर्मल आमन वाली शेप ही करवाई थी फाइनली मुझे वो बेस शेड जो मुझे मतलब एकदम परफेक्ट लगेगा स्किन पर वो मिल चुका है एंड ये वाला ही मैं करवाने वाली हूँ आप देख सकते हो यहाँ मेरा काफी प्रोसेस आगे बढ़ गया पर मेरी बहन का अभी स्टार्ट ही हुआ है मतलब उसका ना पहला जेल कोट लगाई है और इस वाले प्रोसेस में काफी टाइम लगता है मेरे नेल्स में जहाँ एक घंटा लगा वा, वा, मेरी बहन के नेल्स में ऑलमोस्ट डेढ़ से दो घंटे लग गए ऑफकोर्स मैंने भी नेल्स कराए तो आई अंडरस्टैंड कि इसमें तो टाइम लगता ही है फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करवाना है आप देख सकती हो ये ब्यूटिफुल से मतलब ऐसे वेव्स वाले गोल्डन नेल्स में कराने वाली हूँ इनको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता बट देखो दीदी ना कुछ ये जेल सा लेके मेरी नेल्स पर लगा रही है ना उसके ऊपर ये कुछ तो

आधी चीजें तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई दीदी ने इतना फास्ट फास्ट किया ये देखो आप ये कुछ तो शिमर लेके लगा रही नेल्स पर आप देखोगे तो सिर्फ वहां वहां पर पर उन्होंने जेल लगाया था वहां पर ये दिखेगा उसके अलावा पूरे नेल पर नहीं दिखेगा एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा और मैंने जिनको पिक्चर दिखाई थी बिल्कुल इन्होंने वही मेरे नेल्स पे छाप दी है तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ अब क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था मैंने सोचा यार क्यों ना फिर मैं अपने पैरों के जो नेल बहुत टाइम से खराब हो गए मेरी पूरी नेल पेंट खराब हो गई है ही रेन्यू करा लू तो मैं बैठी बैठी वो करा रही थी और मुझे थोड़ी गुदगुदी होती जब कोई मेरे पैरों पे हाथ लगाता है और तो मेरी बहन यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो गई थी आप देखो ये में, रेड कितने हैं मैं एक आपको देती हूँ मेरे नेल्स का तो कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे नेल्स और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है ये मेरे रियल नेल्स है बस उसके ऊपर जो है थोड़ा सा इन्होंने जेल लगा दिया है और पैरों पर मैंने नॉर्मल रेड कलर लगाया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये है मेरी बहन के नेल्स कैन यू ऑल सी दो ब्यूटिफुल नेल कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कितना अच्छा उम्र इफेक्ट आया है इन पर मेरी बहन ने पहली बार नेल्स कराए हैं वो भी इतने ज्यादा ब्यूटिफुल किसके नेल्स आपको ज्यादा अच्छा लगे कॉमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय